तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने की थी केवरन और फिर आर्टिफैक्ट को ट्रिब्यूट करके मुझे मिली थी असेंटेड पिकेक्स और हैचेट की ब्लू प्रिंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वो दोनों क्राफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि ये वैसे बहुत ग्राइंडिंग वाला काम था तो मैंने ऑफलाइन में किए। तो इनका डैमेज भी बहुत अच्छा है दोनों का और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यस, इसके अलावा हम आज की वीडियो में जो करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले जो भी नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज हम लोग करने वाले हैं दो से तीन काम। पहला तो ये कि इस क्राफ्ट को मैंने अपग्रेड करना है और मैंने ये एक ऑफलाइन में PTP टाइम किया था, लेवल 300 का था, मगर इसमें थोड़े से टाइम में इफेक्टिवनेस कम हो गई, मगर ये 400 प्लस लेवल का फिर भी है। और इसको तो यहाँ पे मुझे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा 300 लेवल प्लस मिले हैं, मगर उससे पहले मैं ये ड्रॉप चेक कर लूँ इसमें क्या मिलता है। कुछ अच्छा मिल गया तो काम बन जाएगा वैसे। तो इस ड्रॉप का भी खोलते हैं और इसमें से एंशिएंट टेम्बर के अलावा मेरे घर में और मुझे कोई भी चीज़ काम की नहीं मिली। तो यस, इसके अलावा फिर मुझे यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि 300 लेवल के मुझे एक से दो डायनोस दिखे हैं और हार्ड मोड में 300 लेवल मैक्स लेवल होते हैं, मतलब कि इससे ज़्यादा हाई लेवल के डायनोस मुझे नहीं मिल सकते। और मुझे अभी तक इस लेवल के सिर्फ तीन ही डायनो मिले हैं, एक पैरासोरस, एक ये पेट्राडॉन जिसको मैंने टेम किया है, और इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस कम होने की वजह से वो थोड़ा लेवल कम हो गया। और इनके अलावा मुझे मिला है एक ट्राइक, वो मैं आपसे दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ऑफलाइन में मैंने यहाँ पर 4000 से ज़्यादा मेटल ग्राइंड करके रखा हुआ है और मैंने बहुत सारे मेटल को यूज़ करके अपने टूल्स बनाए भी हैं और फिर इनको एक दो बार रिपेयर भी किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो मैं अभी आपसे मिलता हूँ जैसा ट्राइक के पास पहुँच गई, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा ऐसे बोर हो जाता है बंदा वहाँ तक जाने में। तो जाने लोग, ये रहा वो ट्राइक 300 लेवल और 3000 हेल्थ के साथ। इसको टेम का डाला तो लाइफ जिंगल वाला, इसको हम लोग टेम भी करेंगे। वैसे इसको मैंने ध्यान से टेम करना है क्योंकि इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखना है कि मैक्स लेवल का डाइनो कौन सा होता है और कितना लेवल उसका हो सकता है। तो अभी इस आइलैंड पे अभी जितना सब मेटल स्पॉन हो गया मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्टोन वगैरह कलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे बाद में बोर्ड अपग्रेड करते वक्त ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो यस, मैं आपसे लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि असेंडेड मेटल की पिकेक्स कितना ज़्यादा मेटल फॉर्म कर लेती है एक ही बार में, तो इसमें देर नहीं लगेगी और मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ड्रॉप के पास और यहाँ पे मेगाडॉन मुझ पर अटैक करें। इसमें वैसे कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं था, मैं यहाँ से निकलता हूँ वरना मेगाडॉन तो मुझे मार देंगी। तो अभी मैं ये सब कुछ यहाँ क्राफ्ट कर रहा था मगर मेरे पास स्टोन की थोड़ी कमी हो रही है, और वैसे भी मैंने क्योंकि बोर्ड को खाली करना है, यहाँ से सब कुछ मूव करना है, तो मैं पहले सब कुछ वहाँ दूर बाहर लगा के रख दूँगा। तो जाने लोग, मैं यहाँ पे स्टोन फार्म कर रहा था मगर उसको लाने और ले जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो अभी मैं ट्राइक टेम करूँगा क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा हाई होगा और वो बहुत सारी चीज़ें एक बार में उठा लेगा। तो मैं उसके लिए अपना ट्रैप बनाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ ट्राइक के पास पहुँच के। तो जाने लोग, मैं ट्राइक को ढूंढते ढूंढते वहाँ से बहुत दूर आ गया हूँ और शायद ये ये मैंने इसको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल से मिला, ये अपनी जगह बहुत ज़्यादा दूर आ गया था अपनी जगह से। तो अभी यहाँ पर मैं इसके लिए ट्रैप बनाऊँगा और फिर इसमें इसको ट्रैप करने की कोशिश करूँगा, इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और वैसे भी मैंने आज से पहले कभी ट्राइक के लिए कोई ट्रैप नहीं बनाया तो ये मेरे लिए मुश्किल भी होगा बहुत।
तो अभी ट्रैप तो बन गया, अब बारी है यूजलेस ट्राई को मारने की और अपने वाले ट्राई को ट्रैप में डालने की। वैसे इसको मारा है तो अभी दूसरे सारे मेरे पीछे तो लग जाएंगे, और ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है इसे, तो देखता हूँ अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा किस तरह ये करना है। और अपने वाले ट्रैक भी यहाँ पे, अब इनको मारने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, अगर ये एक रो इनका हट जाए तो फिर शायद मैं इनको मार पाऊँ। देखता हूँ इनका क्या करूँगा। तो जहाँ लोग ट्रैक ट्रैप में तो फंस गए, और मैं भी ये स्लोप वाले हटा देता हूँ, ये ना हो कि इस पे चढ़ के फिर से आज़ाद हो जाए। और यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रैक घूम रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे खड़ा होकर नहीं मारूँगा, मैं क्लिफ के ऊपर जाऊँगा और वहाँ से इसको मारूँगा ताकि इजीली नॉक हो जाए, और यहाँ से अपने सारा सामान भी ले लूँ। तो अब मैं यहाँ से खड़ा होकर इसको मारूँगा ताकि मुझे यहाँ पे किसी किस्म का ख़तरा ना हो और मैं इजीली यहाँ से इसको मारूँ। ऐसे ही इसको तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है मगर इसको तोड़ नहीं पाएगा, और इसको यहाँ से वैसे लग भी नहीं रही, तो थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसको नॉक करना वैसे थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, ये इजीली हो जाएगा, बस मेरे बो की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। और लास्ट टाइम वाली गलती मैं नहीं करूँगा एक्स्ट्रा एरो मारने की, क्योंकि उससे फिर टाइमिंग इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो मैं ये देख देख के करूँगा कितने एरोज इसको मार रहे हैं। और आसपास से दूसरे ट्राइक भी आने लगे हैं, बस ये भी ट्राइक को मारे हैं, मगर अगर ये ट्राइक नॉक हो गया तो फिर तो ये इस ट्राइक को भी डैमेज दे सकते हैं, तो उनको पहले मारना पड़ेगा, तो इनको भी मारते हैं। वैसे ये बड़ा लंबा काम होगा, आप फास्ट फॉरवर्डिंग में देख लें। तो जाने लोग ट्रैक नॉक भी हो गया, और मैंने इसको 10x का स्मूथिंग बाम भी खिला दिया, और मुझे बस ये बेरी कलेक्ट करके इसको खिलानी पड़ेंगी। थोड़ी सी नार्को बेरीज भी खिला देता हूँ ताकि इसका टॉर्पर काम ना हो जाता, और अभी इसको ऐसे जो मिला तो वही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फार्म वगैरह नहीं है, तो मुझे इसको यही सब कुछ खिलाना पड़ेगा हाथ से कलेक्ट करके। A few moments later. तो जिन लोगों अभी ये टाइम होने वाला 90% हो गया है। वैसे 10x स्मूथिंग बॉम के बाद ये बड़ा इजीली टाइम हो जाता है, और मैं ये ट्रैप हटा दूँ, ये ना बाद में इसमें ग्लिच हो जाए और फिर को मसला करे। तो यस, मैं इसको हटा देता हूँ, और तब तक ये भी टाइम हो जाएगा, और मैं सीधा दिन को ही आप लोगों को इसको दिखाऊँगा, क्योंकि रात में ये ज़्यादा नज़र भी नहीं आएगा। तो जाने लोग अभी ये टाइम तो होने वाला है, और ये हो गया 449 लेवल है, ये तकरीबन 450 लेवल का एक ट्राइसेराटॉप्स मैंने टाइम कर लिया है। नाइस, अभी देर इसको मैं सेटल भी लगाऊंगा, और इधर आपको घर जाके दिखाऊंगा या सुबह करके दिखाऊंगा कि ये कितना पावरफुल है, क्योंकि ये मैक्स लेवल का एक ट्राइक है, और ट्राइक कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो यह सभी मैं जाता हूँ, सुबह करता हूँ और फिर सब कुछ करेंगे। तो जाने लोग अभी इसका सेटल तो बन गया है, और इसको अभी सेटल पहनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। तो अभी इसके साथ किसी डाइनो के साथ फाइट करके देखते हैं और पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है।
वैसे मैंने इसको टेम तो किया है स्टोन जमा करने के लिए, तो पहले स्टोन थोड़ा सा जमा कर लेते हैं, एक बार ये काम हो जाए फिर उसके बाद हम लोग ट्राई, कभी हो सकता है 1000 लेवल आ जाए तो फिर वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर हम लोग करेंगे थोड़ी सी तबाही। तो यस बने रहिएगा तब तक, और मैं तब तक थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर लेता हूँ। तो जाने लो ये देखें कि ट्राई की स्पेशल एबिलिटी है, ये थोड़े से चार्ज अप करते हैं और फिर बड़ी स्पीड से दौड़ते हैं और ये थोड़ी देर बाद रुक तो जाते हैं, मगर लेवल 10 इसके मार 200 का डैमेज कर रहा है यार। मेरा मोस्ट पावरफुल अर्जेंट एवेस लास्ट सीजन का इतना पावरफुल था और इसका नॉकबैक भी है। तो अभी इनको मार के देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। नॉकबैक चेक करो इसका यार, पास ही नहीं आने दिया, विदाउट अ सिंगल हिट इसने 3 ट्राई को मार दिए। लेवल कम था मगर जब पास ही नहीं आएंगे तो लेवल का क्या होगा। तो यस अभी इसके साथ थोड़ी सी करेंगे तबाही। यानी लोग ये ट्राइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल डाइनो आर्क का आ गया है इस बार का। वैसे अभी मैं यहाँ से इसका ये थैच इकट्ठा करते हैं और बेरेज इकट्ठा करते हैं तो ये उसमें भी थोड़ा बहुत यूज़फुल है, मतलब मुझे पैरासोरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका ये स्पेशल अटैक तो आप लोगों को पता ही होगा, ये दौड़ के जाता है और रास्ते में थैच और वुड इकट्ठा कर लेते हैं। तो यस ये भी किसके छोटी सी एबिलिटी है। तो यहाँ से मैं आया हूँ स्टोन इकट्ठा करने और एक बार ये स्टोन भी मैंने बहुत सारे इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे बिल्डिंग करनी है और मेरे पास स्टोन की कमी पड़ी। तो इसी के लिए मैंने ट्राइक को टेम किया था, तो ट्राइक ये सारा सामान उठा लेते। तो जानी लोग अभी मुझे ब्रांटो उंगली कर रहे और अभी इसी की उंगलियां तोड़ने का टाइम आ गया। इसको अपने पास बुलाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा सारा सेटअप है और इसको तोड़ेगा ये, तो इसको वहाँ से दूर बुलाना पड़ेगा और फिर इसकी उंगलियां तोड़ेंगे हम। तो जानी लोग वो देखो जा रहे हैं वो ब्रांटो जिसने उंगली की थी। अरे यार का ग्लिच है कि इसमें कोई चीज़ मार जाए तो वो है समझो वो भा रहा था, जैसे उसका वजन था ही नहीं ऐसे उड़ जाते। तो यस अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने अभी एक ब्रांटो को मार दिया, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके। यहाँ से मैं सारे के सारे अब डाइनो जो तंग कर सकते मैं उन सभी को ख़त्म करूँगा। अब बोलो अब यहाँ पे कोई डाइनो बचा हो तो बताओ। ये पावर है ट्राइक की, जी मोस्ट पावरफुल टेम जो इस सीजन में मैंने किया है, और ये नेक्स्ट लेवल डाइनो है मेरे लिए। इसको मैं ट्रीट के तौर पे एक रॉक फ्रूट दूंगा, खा ले मेरे शेर। अब यहाँ पे अगर कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए या अगर ट्राइक का एक मैं उठाऊँगा कौन रोकेगा मुझे। यहाँ पे ब्रांटो का है गए इसको भी उठाऊंगा कौन रोक सकता है मुझे अभी। तो यस दिस इज द पावर ऑफ ट्राइक। तो जाने लोग अब बनाऊंगा मैं अपना बोट हाउस और इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ज़्यादातर कट कर दूंगा और फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखाऊंगा और एंड में आपको टूर करवा दूंगा, ताकि ये ना हो कि आप ये कहें कि भाई इसका किस तरह काम करता है ये बोर्ड या क्या है इसका हिसाब होता है। तो ये कोने में बिल्कुल लगाना चाहिए ये फर्स्ट फाउंडेशन, ताकि बाकी सारी फाउंडेशन के लिए जगह बन जाए। यस जितना हो सकता है उतना कॉर्नर में लगा दो।
तो ये बिल्कुल ही कॉर्नर में लग गई। तो अब बाकी सारा तो इजी होता है, ये पहली फाउंडेशन ही मुश्किल होती है। तो जाने लोग, बोट हाउस बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब बस अंदर का फर्नीचर करना है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन वैसे अभी क्या ही करेंगे क्योंकि अभी ये फर्स्ट राउंड है, तो इसमें अभी हम लोग नहीं कर रहे। एक बार मेरे पास माइंड वाइप आ जाए तो उसके बाद हम लोग करेंगे। तो यस, अभी मुझे ये सारा का सारा सामान अंदर ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। A few moments later. तो जाने लोग, सारा का सारा सामान भी अंदर आ गया है, और मैंने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा काम भी कर दिया। तो यहाँ पे वैसे डाइनो को ऊपर चढ़ाने में मुश्किल होती है, मगर एक बार आर्ची आ गया तो फिर ये काम मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पे एक सैड न्यूज़ भी है, क्योंकि मेरा जो पेटरडॉन था उसको एक ब्रोंटो ने मार दिया। तो मैंने उसको पैसे पे नहीं करके रखा था, तो ब्रोंटो ने अटैक किया, तो वो लोग लड़ते लड़ते पानी में चले गए। और वहाँ पे ब्रोंटो ने तो नहीं मारा, लेकिन मेगलोडॉन ने मार दिया उसको। तो यस, यहाँ से एक मैंने एक हैच सा बना दिया जहाँ से मैं इजीली बोर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर 2 मेरे फर्नेस हैं या फोर्ज हैं, इनका यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने एक बॉक्स लगा रखा है, और इसको मैंने वहाँ कोने में इसलिए लगाया है क्योंकि इसको बंद करके ना यहाँ से कोने से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब के बाहर से भी इसका एक्सेस मुझे मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें, और इसके अलावा मेरे पास स्मिथी और यहाँ पे मीट वगैरह एग्स वगैरह पड़े हैं। यहाँ पे मेरे पास कैंप फायर है, मोटर पेस, स्मिथी, तो ये सब चीज़ें तो मेरे पास हैं। तो इसके अलावा इसका और वैसे कोई टूर है नहीं। तो यस, इतना ही था। वैसे मैंने बेड अपने ऊपर लगा रखा है, तो वो नीचे नहीं है, और इसकी एंट्री मैंने दोनों साइड से रखी है। तो यस, इस आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू एवरीवन।